नाम मेरा नाम लालचंद बलोच है। मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन का सूबाई सदर हूँ। तो आज का जो एहतजाज है, हमने बड़ी कोशिशों से और इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज मजदूर बाकायदा मुत्तहिद हो चुका है। उनका चार नुकात पे बहुत सख्त मुतालबा है। नंबर एक के बजट में इजाफा, बेतहाशा महंगाई के बावजूद बजट में कुछ नहीं दिया गया, इसकी मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे डेढ़ साल से तकरीबन हमारे डिवीज़न में डेढ़ साल से रिटायर लोगों का ग्रेजुएटी और ड्यूज रुके हुए हैं, वो इंतहाई फाकों पर उतर आए हैं, कोई उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तीसरी बात हमें सुनने में आ रहा है कि रेलवे मुलाजिम में छांटी का कोई सिस्टम चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसके लिए तहरीक चलाएंगे, छांटी नहीं होने देंगे। चौथी बात, हमारा जो TLA पैकेज और कंट्रैक्ट मुलाजिम इनको निकालने की जो कोशिश की जा रही है, हम इनको बेरोजगार और उनके छांटी के नाम पर किसी का रोजी नहीं जाने देंगे, पावे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े। ये आज के लिए मेरा पैगाम मजदूर के लिए और इंतजामिया के लिए और हुक्मरानों के लिए। वस्सलाम। हमारे मुतालबा ये है कि मजदूर दुश्मन जो बजट हमें एक रुपया भी हमें नहीं दिया गया मुलाजमीन को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया कि छांटी का, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करें। पहले से रेलवे मुलाजमीन कम हैं, हर DPO में असामियाँ खाली हैं, ये तो चेक करें पहले, हमारे मुलाजिम पूरे नहीं हैं। एक तरफ छांटी का मसला है, एक दफ़ा दावे हैं कि हम नौकरियाँ रोज़गार देंगे, एक तरफ से छांटी का मसला है, बिल्कुल वो नहीं करेंगे। दूसरा तरफ रेलवे में कच्चे मुलाजमीन हैं, उनको भी पक्का किया जाए, उनके लिए भी हम आज एहतजाज कर रहे हैं।